नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं कहानी नई बहू और सास का वनवास। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सुधा, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुझे। अमित, माँ अभी सोने दो, कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है। सुधा जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली कविता को फोन मिलाती हैं। सुधा जी, कविता कैसी है। कविता, हाँ सुधा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है। सुधा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया है या नहीं। कविता, हाँ मैंने बात की थी, मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को जरूर पसंद आएगी। सुधा जी, तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ अगर उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। कविता, जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है, कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती थी। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहां संजना आती है। सुधा जी, बहू कुछ चाहिए तुम्हें। संजना, जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें या ठीक नहीं, मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सुधा जी, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। संजना, नहीं माँ जी मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। संजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था, वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती हैं। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उनके कानों में आवाज आती है। संजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। संजना, अमीषा तू तो बहुत खुश नसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज मस्ती करती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। अमीषा, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। संजना, अरे वो तो एक चाल थी अमित को बस में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो हमेशा माँ के पल्लू में बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वो तो उनसे इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा जी को देखते ही संजना बोली, संजना अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आपकी तारीफ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। अमीषा, संजना लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। संजना, अच्छा है उनका भ्रम जल्दी टूट जाए, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा जी किचन से सारी बातें सुन रही थी, उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई, अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। सुधा जी, बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी की क्या जरूरत थी, आज से अमित सैलरी भी तुम्हें देगा, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। संजना बोली,
माँ जी वो आपके रहते तो हो नहीं सकता, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी को धक्का लगा, वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुधा जी, बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? संजना, माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएं। अमित को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी, आप चाहें तो हमारी खुशियां हमें दे सकती हैं। सुधा जी, लेकिन बेटी मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। संजना, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, आप कल ही चले जाइएगा, जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। संजना जी जैसे जड़वत हो गई थी, जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को अमित के सो जाने के बाद संजना सुधा जी के कमरे में आती है। संजना, माँ जी आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुधा जी, बहू मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। संजना, आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद संजना सुधा जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है, संजना अमित आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है, आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए वे गई हैं। अमित, संजना मुझे फोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। संजना, अमित मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजना रोते हुए अमित के पास आती है। संजना, अमित बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। अमित, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। संजना, अमित मैंने सब पता कर लिया है, बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई है, किसी को कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है, वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद संजना उसे समझाती है। संजना, अमित जो होना था वो हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है, हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगता है, तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। अमित, माँ तुम यहाँ कैसे, तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सुधा जी, बेटा संजना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धा आश्रम भिजवा दिया, वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धा आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। संजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए, वृद्धा आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया, तब से यहीं रहती हूँ, कोई कुछ दे देता है तो खा लेती हूँ, तू कैसा है? अमित की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, वो माँ को लेकर सीधा घर जाता है। सुधा जी को देखते ही संजना घबरा जाती है। अमित, संजना तुम मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला, अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। संजना, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अमित, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी, चलो निकलो यहाँ से। सुधा जी, बेटा बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल, मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुखी से रहो। संजना, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा जी, नहीं, मेरे होते या नहीं हो सकता, अमित इसे माफ कर दे, और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा।
संजना सुधा जी के पैरों पर गिर जाती है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी नई बहू और सास का वनवास। हाँ, यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।